अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लासिक किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही ज़बरदस्त से मूली के पराठे बन रहे हैं। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, और आप देख सकते हैं कि मूलियों की स्टफिंग एक जैसी है चारों तरफ से। बहुत ही ज़बरदस्त से ये पराठे बनते हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, मैं अंदर से आपको खोल के भी दिखाती हूँ। इस वक्त बहुत ही गर्म है पराठा, तो ये देखें, हर तरफ से मूलियों की स्टफिंग बिल्कुल एक जैसी है। बहुत ही ज़बरदस्त ये पराठे तैयार होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इन पराठों को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक बड़ी मूली ले ली है, और इसके जो पत्ते हैं वो मैं इसको ज़ाया नहीं करूँगी, इसको भी मैं इस्तेमाल में लाऊँगी। इसको मैं अलहदा कर लेती हूँ। मूली के पत्ते इसमें मैं ऐड करूँगी धो के अच्छी तरीके से, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद है, मूली को ये हज़म करेंगे। अब मूली को मैं अच्छी तरीके से छील लूँगी। ये देखिए, मूली मैंने छील ली और अच्छी तरीके से इसको मैंने धो लिया। अब मूली को मैं ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लूँगी। ये देखें, पूरी मूली को मैं ग्रेट कर लूँगी अच्छे से, और ये मूली ग्रेट हो चुकी है। अब इसके अंदर से मैं पानी निचोड़ के निकाल लूँगी अच्छी तरीके से। ये देखें, दबा दबा के मैं इसका पानी अच्छी तरीके से निचोड़ लूँगी, क्योंकि इसका पानी निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इसका पानी नहीं निकालेंगे तो पराठे हमारे फट जाएंगे। तो ये देखें, मैंने सारा पानी निचोड़ दिया है मूली से। हसबे ज़रूरत इसमें मैं नमक ऐड करूँगी, कलौंजी डालूँगी इसमें हाफ टी स्पून। आप भी कलौंजी ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे पराठों का बहुत ही अच्छा टेस्ट बनेगा। लाल मिर्चों का पाउडर डालूँगी 1 खाने का चम्मच, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अब इसमें मैं मूली के पत्ते ऐड करूंगी, जो मैंने धो के बारीक काट के रखे हुए थे, इनको मैं इसमें डाल दूंगी। मूली के पत्ते बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, इसको आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, ये मूलियों को हज़म भी करेंगे। अब इसमें 5 से 6 अदद मैं हरी मिर्चें कटी हुई डाल दूंगी, इसको भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं। ये देखिए, मिक्स हो गई हैं तमाम चीज़ें, स्टफिंग हमारी अब बिल्कुल रेडी है। आइए अब हम इसके पराठे तैयार करते हैं। तो अब ये मैं पहला तरीका आपको सिखा रही हूँ। 2 छोटे छोटे पेड़े ले लिए मैंने, और इनकी मैं छोटी सी रोटियाँ बेल लूँगी। ये रेगुलर आटा है जिसको मैंने थोड़ा सा सख्त गूंदा था, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जो स्टफिंग वाले पराठे होते हैं उनके लिए हम आटा थोड़ा सा सख्त गूंदते हैं, जिसकी वजह से हमारे पराठे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो ये देखें, मैंने एक रोटी बेल ली है। अब इसी तरीके से मैं दूसरी रोटी भी बेल लूँगी। अब इसमें मैं मूलियाँ रख दूंगी फैला के अच्छे से। ये देखें, चारों तरफ मैं अच्छी तरह फैला के मूलियाँ डाल दूंगी। अब इसमें मैं देसी घी डाल दूंगी थोड़ा सा। और ऊपर से मैं दूसरी रोटी जो मैंने बेल के रखी थी वो रख दूंगी। अब जो चारों तरफ से किनारों को मैं अच्छी तरीके से दबा दूंगी,
ये देखें इस तरीके से। अब मैं इसको उठा के आराम से तवे के ऊपर डाल दूंगी। तवे के ऊपर डालने के बाद भी मैं चारों तरफ से इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर दूंगी। अब ऊपर से मैं देसी घी डाल दूंगी, आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। पलट दूंगी इसको मैं और अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूंगी। मीडियम आंच में इसको मैं अच्छी तरह दबा दबा के फ्राई कर लूंगी ताकि हमारे पराठे बहुत अच्छे से क्रिस्पी से तैयार हों। ये देखें इस तरीके से। ये देखें एक तरफ से हो गया पराठा हमारा। अब इसको मैं पलट दूंगी। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा पराठा तैयार हुआ है, कितना अच्छा इसमें कलर आया है और कितना ये क्रिस्पी बना है। दूसरी साइड से भी मैं इसको अच्छा सा पका लूँगी ताकि हमारा जो पराठा है वो दोनों तरफ से बहुत ही क्रिस्पी तैयार हो। दोनों तरफ से अच्छी तरीके से हमारा क्रिस्पी हो चुका है पराठा। ये देखें तैयार हो गया पराठा, कितना ये खस्ता बना है हमारा पराठा। अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब मैं आपको दूसरा तरीका सिखाती हूँ। एक पेड़ा मैंने ले लिया आटे का और इसको इस तरीके से मैं फैला लूँगी। हाथों की मदद से मैं इसके किनारे अच्छे से फैला दूँगी। आप चाहें तो बेलन की मदद से भी इसको बेल सकते हैं थोड़ा सा। तो ये देखें ये फैला दिए मैंने हाथों की मदद से। अब इसके ऊपर मूलियों की जो स्टफिंग तैयार की थी मैंने वो मैं रख दूंगी। ये देखें इस तरीके से। थोड़ा सा देसी घी इसमें ऐड करूंगी और इसको मैं इस तरीके से पकड़ के जिस तरीके से पोटली को बंद किया जाता है उसका मुंह, इस तरीके से मैं इसको पकड़ के इसका मुंह बंद कर दूंगी। ये देखें इस तरीके से पेड़ा तैयार है हमारा। अब मैं इसको हल्के हाथों से चारों तरफ से बेल लूँगी। बिल्कुल हल्के हाथों से हमने इसको बेलना है किनारों की तरफ से और इसको उठा के मैं आराम से तवे के ऊपर डाल दूँगी। देखिए किनारे भी मैं अच्छी तरीके से इसको प्रेस कर रही हूँ। अब 20 सेकेंड इसको पकाने के बाद मैं ऊपर से देसी घी डाल दूंगी, आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी से हमारे पराठे बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो इसलिए आप भी हमेशा देसी घी में ही पराठे बनाइएगा। तो ये देखिए चारों तरफ से मैं अच्छे तरीके से दबा दबा के इसको फ्राई कर लूँगी ताकि हमारा पराठा बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी तैयार हो। तो ये देखें एक तरफ से तैयार हो गया है। देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया हमारे पराठे का, बहुत ही क्रिस्पी पराठे तैयार हो रहे हैं। दूसरी तरफ से भी मैं अच्छी तरीके से इसको पका लूँगी और क्रिस्पी कर लूँगी। तो ये देखें पराठा तैयार है हमारा। अब इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त से बहुत ही क्रिस्पी पराठे हमारे बन के तैयार हैं। इसको मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। तो ये देखें मूलियों की जो स्टफिंग है वो पराठे के चारों किनारों में अच्छे से फैली हुई है। सर्दियों के मौसम में ये पराठे बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।